चांदनी रात में घर के बाहर खाट लगाए हुए हरिया सो रहा था। का मौसम है, ऊपर से चांदनी रात, खुले में सोने का तो अलग ही मजा है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है। यहीं सोते रहोगे क्या, घर के अंदर नहीं चलना है? अरे नहीं, यहीं पर हवा लग रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, बैठो ना तुम भी यहीं। पर हरिया की पत्नी ये कहते हुए चली जाती है, मुझे नहीं बैठना, फिर तुम यहीं सो। और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, अरे राखी बहन, इतनी रात गए तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? देखते देखते राखी एक चुड़ैल में बदल जाती है और हरिया की पत्नी के कुछ बोलने से ही पहले उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है, फिर उस सिर को अपने सिर पर लगा लेती है। अरे वाह, अब मेरे दो सिर हो गए हैं, चलो वापस चलती हूँ। और वो चुड़ैल वापस से पास के घर में चली जाती है, जहाँ जाने से पहले वो वापस से औरत के रूप में बदल जाती है। अगले दिन गांव में कानाफूसी होने लगती है। अरे तुमने देखा है, राखी बहन के चाल चलन कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी रातों को उन्हें निकलते हुए देखा है, पता नहीं कहाँ जाती हैं। आजकल गांव में तो सिर कटी लाशें मिलने लगी हैं। हमें बात करनी चाहिए रमेश से, रमेश की पत्नी राखी कहीं चुड़ैल तो नहीं है, क्यों रातों को निकलती है? अरे लेकिन कहेगा कौन, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसकी पत्नी को चुड़ैल कहे। हरिया ने अभी अभी अपनी पत्नी को खोया था, इसलिए हरिया गुस्से में था। मैं कहूँगा और कौन कहेगा, तुम लोगों के वो हिम्मत नहीं होती है तो ना हो, मैं जाकर बोलूँगा। इतना कह के हरिया गुस्से में रमेश के पास पहुँचता है। वहाँ राखी भी खड़ी होती है। ओ रमेश। हाँ भाई हरिया, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर भाभी जी के साथ जो कुछ भी हुआ। भाभी जी के बच्चे, तेरी पत्नी ही चुड़ैल है, ये राखी ही रात को बाहर निकलती है और लोगों के सिर काट देती है। राखी बोल पड़ती, क्या भाई साहब, आप अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, तू ही चुड़ैल है, तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब आप हद से ज्यादा मत बढ़ो। बीच में रमेश कूद पड़ता है। हरिया मुझे पता है तुम्हारी मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, अपने घर जाओ। जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुम सब पछताओगे। अगली रात फिर रमेश सो रहा होता है और तभी राखी उठती है और धीरे से घर से बाहर निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में वो चुड़ैल में बदल जाती है और फिर वो पास के गांव में घुस जाती है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं, वहीं एक औरत घर के बाहर सो रही होती है। वह चुड़ैल उसके पास जाती है और अचानक से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती है और उसके भी गर्दन को खा जाती है। जैसे ही औरत के धड़ से सिर गायब होता है, वैसे ही चुड़ैल के दो सिर हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल अपने घर के लिए निकल पड़ती है। पहुंचने से पहले ही वो राखी की शक्ल में आ जाती है। सुबह होने पर फिर से एक नई सरकटी लाश को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। उसके मौत की खबर आसपास के सभी गांव में फैल जाती है। रमेश घर आकर राखी को सुनाता है। राखी, देखो पास के गांव में फिर से एक सिर कटी लाश मिली है, अब ये गांव वाले फिर हम लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम्हारे बारे में ये लोग ऐसा सोचते कैसे हैं। इतना कह के रमेश वापस से सो जाता है, पर इस बार राखी ने कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से रमेश के मन में भी हलचल मची रहती है और वो सोने का नाटक कर रहा होता है। फिर रात होने का इंतजार करती है राखी और फिर से निकल पड़ती है अपने शिकार की तलाश में। लेकिन इस बार हरिया ने राखी को रंगे हाथों पकड़ने का मन बना रखा था। उसने गांव वालों को तैयार कर रखा था। गांव वाले आसपास छिपे हुए थे और हरिया एक औरत की वेशभूषा बनाए हुए खाट पर लेटा हुआ था, लेकिन असल में नींद कहाँ से आए, वो तो जग ही रहा था। राखी उस तक पहुंचती है